जरूर शिव प्राण में कहा ऐसे पुष्प चढ़ाओ, ऐसे पुष्प चढ़ाओ, ये वृक्ष के पत्ते चढ़ाओ, ये वृक्ष के पत्ते चढ़ाओ, कहा ना। राजोपचार बात के बात किया, राजोपचार सोना चांदी हीरे मोती से शिव की पूजा की, ये भी बात करी। सोलोपचार, पंचोपचार, एकोपचार, वैराग्य उपचार, कुछ भी ना हो सके जलाभिषेक करो है? राम ने, कृष्ण ने, पंच पांडव ने, सब ने महादेव को जल चढ़ाया। जल से मन की तरंग शांत होती है, इसलिए महादेव को हम जल चढ़ाते हैं। त्रांबे के लोटे अथवा कोई भी धातु के लोटे, महादेव को जल चढ़ाते हैं, निरंतर जल की धारा करते हैं। ओम नमो भुवा शिवाय रुद्राय। कृष्ण ने क्या किया, जीवन पर्यंत महादेव को जलाभिषेक किया। भाई बलराम के साथ, अर्जुन के साथ निरंतर पांच पांडवों को शिव भक्ति का मार्गदर्शन करते रहे। कृष्ण भगवान की शिव भक्ति कितनी श्रेष्ठ है, महादेव की भक्ति में निरंतर रत रहने वाले और अंतिम श्वास भी सोमनाथ की ओर गति कर रहा था, ये हमारा कृष्ण है, ये शिव भक्त। इसमें कहा भी है, शिव प्राण ग्रंथ में भगवान महादेव ने कहा और उपमन्यु ऋषि ने भी कृष्ण जी को कहा, आप शिव भक्तों में अग्रगण्य रहोगे, आप जैसा कोई महादेव का भक्त दुनिया में नहीं होगा, ये हमारा द्वारकाधीश, ये हमारा कृष्ण, आप जैसा कौन महादेव का भक्त होगा, अग्रगण्य महादेव के भक्तों में सिर मुकुट रहोगे कृष्ण।